हाय एवरीवन, विक्रम दिस साइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक। गाइस, अभी टाइम हो रहा है कुछ अराउंड 2:25 और आज का डेट है 26 जुलाई। ठीक है, आज मैंने डायरेक्शनल ट्रेड लिया है और कल मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करूंगा, उसका लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा और लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा उसमें मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बन गया कल परसों दो दिन। और आज मैंने डायरेक्शनल ट्रेड क्यों प्लान किया ये मैं बता देता हूँ। नॉर्मल अगर आप बैंक निफ्टी प्लस HDFC बैंक को देखोगे ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही रेंज को फॉलो कर रहा है। आप लोग भी गाइस ये रेंज को अभी नोट कर लो, आज का वीडियो देख रहे हो तो ये रेंज को अच्छे से ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये बहुत जल्द एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने वाला है, अच्छा खासा मोमेंट ऊपर तरफ या डाउन तरफ हो सकता है, तो इस रेंज को आप ड्रॉ करके रख लो। तो मैंने आज का ट्रेड क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इस वोलाटाइल मार्केट में ही सबसे ज़्यादा लोग लॉस किए होंगे। और मैंने भी आज फर्स्ट ट्रेड में ट्रैप हुआ जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, उसके बाद मैंने इस जो मार्केट गया है मैं इसमें रिकवर करा दिया। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, क्या है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, नॉर्मल मैं आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि मेरे को जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं निफ्टी कन्फर्मेशंस अदर कंपोनेंट का कन्फर्मेशन लेता हूँ, ये मैं बताया हूँ बहुत बार। और आप लोग बहुत बार इंस्टाग्राम पे पूछते हो कि सर मैं कंपोनेंट पे ट्रेड कैसे करूँ, एक बार वीडियो बना। अभी क्या है कि मैंने आज कैसे प्लान बनाया बता रहा हूँ। मार्केट आज सडनली 9:15 ओपन हुआ, डाउन होने लगा। मैं पोजीशन नहीं बना सकता क्योंकि यहीं से मार्केट रिवर्स बैक कर सकता है, यहीं से टच करके थोड़ा सा 50 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, रिवर्स बैक करके जा सकता है। तो मैंने हड़बड़ी करके पोजीशन नहीं बनाया। अगर मार्केट आके यहाँ पे जितना स्पीड में आ रहा है, इसको हम लोग पावर मूव बोलते हैं। मैंने बहुत बार बोला है कि पावर मूव में एंट्री नहीं करना ही बहुत सही है। ठीक है, तो पावर मूव हो रहा है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर ब्रेक करता तो मैं प्लान बना पाता, लेकिन मार्केट क्या हुआ है, सडनली आया, एक पुल बैक दिया, फिर आया, फिर डाउन ऊपर चला गया। तो मैंने थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं किया, मैं सोचा कि कहीं से भी मार्केट शूटअप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक शूटअप हुआ। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक बार कंसोलिडेशन हो जाए मैं प्लान बना विथ अदर कन्फर्मेशन। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आता है निफ्टी कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ वाला कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट। देखो नॉर्मली क्या है ना, अगर हम लोग बात करेंगे मार्केट इस जो पुल बैक है, एवरी पुल बैक बताया हूँ आग चाहते रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट जब इसको सपोर्ट लिया ये रेड बनने लगा, मैं हड़बड़ी करके एंट्री कर दूँ नहीं, उस जगह पे मैं अदर कन्फर्मेशन के लिए वेट किया। अदर कन्फर्मेशन क्या क्या था आप उस जगह पे टाइम देख लो, ये टाइम कौन सा है, 11:05। ठीक है, 11:05 अगर उस जगह पे हम लोग HDFC बैंक को देखेंगे, HDFC क्या है, बहुत अच्छा रेंज में, जितना बार इस जोन पे आ रहा है मार्केट शार्प फॉल हो रहा है, शार्प फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि थर्ड टाइम भी शार्प फॉल हो सकता है, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये मेरा गलती था, ये आप लोगों को सीखना चाहिए। हर दम दो बार होने के बाद थर्ड टाइम स्पीड में शार्प फॉल नहीं होने वाला, वो मेरा अग्रेसिव ट्रेड था, उसके वजह से मैंने गलती किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब इसको टच किया ना मार्केट 11:05 को रेड होने लगा, तो मैं समझ गया कि यहाँ से मार्केट इधर शार्प हो सकता है या थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे रह के फिर डाउन हो सकता है, ये मेरा प्लानिंग था नॉर्मल। और मैंने इसीलिए ऑप्शन सेल किया था फर्स्ट ट्रेड में, मैंने इसको बताऊंगा, यही 36,300 में ही मेरा लॉस हुआ था 7,000 रुपीज़ का वो। और वो ये सब जो है आप लोग भूल जाओ, इसको मैं नॉर्मल मार्जिन बेनिफिट के लिए, और ये ट्रेड मैंने छोटा सा ट्रेड लिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, लेकिन इसको ट्रेड को 36,300 वाला सी को अच्छे समझो, समझ में आ जाएगा। पहला ट्रेड मेरा 7,000 का लॉस हुआ था। मैंने क्यों लॉस किया बता रहा हूँ, मैंने HDFC बैंक को देखा, ठीक है, वो डाउन हो रहा था, प्लस आप रिलायंस को भी देखोगे, रिलायंस कहीं ना कहीं उस जगह सपोर्ट लेके वो भी एक रिवर्सल प्लान दे रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब अच्छा खासा इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, ये बड़ा कैंडल ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाने का प्लान किया, मैंने इसको पोजीशन बनाया, इस पर स्टॉप लॉस मेरा इसके जस्ट ऊपर था। ओके, और मार्केट आया डे लो सपोर्ट लेके बाउंस बैक करके ऊपर चला गया, मैंने होल्ड किया था, क्योंकि ऑप्शन सेल करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि मैं लगता है कि मार्केट अगर यहीं पे कंसोलिडेट भी हो तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो इसीलिए मैं 1 मिनट के जगह 5 मिनट्स में स्टॉप लॉस ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, मैं निकल गया। तो मैं सोचा कि चलो नेक्स्ट, अभी मेरे पास एक ही ट्रेड बचा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 7,000 लॉस कर चुका हूँ, एक ट्रेड होगा तो मेरा ओवरऑल डे का खत्म। हाँ, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना था गाइस, क्योंकि ऑप्शन सेल करता हूँ यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट अराउंड 8 लाख का था, 8 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा वेट किया कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए उसके बाद प्लान करूँ। मार्केट गया, बुक ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा प्ले करने लगा, तो मैं चुपचाप बैठ के मार्केट को देखा। जब ऐसा कंसोलिडेशन होने लगा एग्जैक्टली HDFC बैंक भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसी रेंज के बीच में रहने लगा। ठीक है, अगेन जब आप देखोगे रिलायंस को देखो, रिलायंस एक बार कोशिश किया जाने के लिए, इस बार अगर जाना होता ना तो भागता, ये अच्छा खासा जाना चाहिए था इसको, अगर एक बार ट्रैप किया है, दूसरा बार एक अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, अब अगर इसको भागना था अच्छा खासा भागना था, ये ज़्यादा बड़ा पॉइंट कैप्चर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर आके यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया,
तो मेरे को रिलायंस को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि मैं अभी डाउन की तरफ जा सकता हूँ। मैं सुबह से ही बियरिश व्यू है, मैं इसको देख के और कन्फर्म हो गया कि ये जा सकता है। जब 135 को इस कंसोलिडेशन को मार्केट ब्रेक किया तो मैं श्योर हो गया ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मैंने क्या किया, 135 पोजीशन में यहाँ पे एंट्री बना दिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे था तो मैंने एंट्री बना दिया और लकीली मार्केट कंटिन्यूसली उसी जगह पे फॉल होने लग गया और निफ्टी भी फॉल हुआ, HDFC बैंक भी अगर आप देखोगे उसी एग्जैक्टली उस जगह पे सपोर्ट लेके फिर अगेन डाउन होने लग गया। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल किया, 1 मिनट में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि मेरे को इस बार रेस्ट नहीं लेना था तो टाइट अपना स्टॉप लॉस कर रहा था। मैं स्टॉप लॉस को आसपास के यहाँ पे रखा था, मेरा हिट हो गया, मैंने 10,000 पॉजिटिव में बुक किया, ठीक है। मतलब ये जो था 7,000 रिकवर होने के बाद पॉजिटिव आया, समझ रहे हो ना, मतलब अराउंड हम लोग यहाँ बात करें तो 17,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया, ठीक है। तो 70,000 प्रॉफिट बुक किया तब जाके मेरा लॉस रिकवर होकर सेम स्ट्राइक प्राइस में 10,000 का प्रॉफिट निकला। तो यही था गाइस आज का ट्रेड, यही होता है जब चॉपी मार्केट थोड़ा सा हो, मार्केट भी बहुत बार ट्रैप करेगा। कंपोनेंट में मैं ट्रेड करता हूँ, बहुत बार ट्रेड करता हूँ, नॉर्मली हर कंफर्मेशन में मेरा कंपोनेंट जो निफ्टी का वेटेड स्टॉक्स होता है वो हमेशा रहता है। तो आप बोलोगे कि निफ्टी का वेटेड स्टॉक ट्रेड करेंगे तो कभी लॉस नहीं होगा, यस गाइस वो भी बहुत बार ट्रैप होता है, इसीलिए मैंने बोला है हरदम कि वो आपको एक ही कंफर्मेशन में गिना जाएगा। अगर निफ्टी, इन्फोसिस, HDFC बैंक सब एक साथ ही भाग रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो वो भी एक ही कंफर्मेशन में गिना जाएगा, याद रखो ये चीज़, ठीक है। उसी कंफर्मेशन मेरा लॉस हुआ, उसी कंफर्मेशन मेरा लॉस भी रिकवर हो गया, ठीक है। तो आई होप गाइस आज के ट्रेड से भी आप लोगों को समझ में आया, मैंने अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना सर कहाँ पे आपका डाउट रहा, उसके ऊपर हो सके तो मैं लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करके अपलोड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबको कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वो भी बता दो कमेंट में कैसा लगा, एंड जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर दो गाइस, आप लोग को इस चैनल में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो सबको सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।